नमस्कार साथियों, डेली इंडिया करंट अफेयर के सेशन में आपका स्वागत है। आज का सेशन रहेगा साथियों 13 सितंबर 2024 इंडिया करंट अफेयर्स का। इस सेशन के अंदर जितने ही महत्वपूर्ण प्रश्न साथियों इंडिया करंट अफेयर्स के बने हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साथ में प्रश्नों से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य आपसे पूछे जा सकते हैं उस पर भी जानकारी साझा करूंगा। सेशन आपको पसंद आए तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन ऑर्ट्स के टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल पर आपको इस सेशन की पीडीएफ है जो निःशुल्क है मिल जाएगी। शुरुआत करेंगे साथियों, आज के दिन का पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में सेमिकॉन इंडिया 2024 का उद्घाटन है जो पीएम मोदी जी के द्वारा साथियों कहां पर किया गया था, तो आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश के अंदर किया गया था। ये आपको याद रखना है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भारत एक्सपो मार्ट ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में सेमिकॉन इंडिया 2024 का उद्घाटन किया। श्री मोदी ने इस अवसर पर प्रदर्शनी का भी दौरा किया। 11 से 13 सितंबर तक चलने वाले इस 3 दिवसीय सम्मेलन में भारत की सेमीकंडक्टर रणनीति और नीति को प्रदर्शित किया जाएगा, जिसका उद्देश्य भारत को सेमीकंडक्टर के लिए एक वैश्विक केंद्र बनाना। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा साथियों कि सेमिकॉन इंडिया 2024 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया, तो आपका आंसर हो जाएगा पीएम मोदी के द्वारा। कितने दिवस की ये प्रदर्शनी रही, तो 11 से 13 सितंबर तक साथियों ये प्रदर्शनी है जो आयोजित की गई थी। और कहां पर है? तो उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश के अंदर कहां पर साथियों, भारत एक्सपो मार्ट ग्रेटर नोएडा के अंदर है जो साथियों इसका आयोजन किया गया था। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, और आगामी जो प्रतियोगिता परीक्षा होगी साथियों उसके अंदर आपसे ये पूछा भी जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि भारत सरकार ने कितनी भाषाओं में टेक्निकल शब्दों वाली वेबसाइट लॉन्च की है, तो आंसर हो जाएगा 22। भारत सरकार ने 22 भाषाओं में साथियों टेक्निकल शब्दों वाली है जो वेबसाइट लॉन्च की है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के तत्वाधान में कमीशन फॉर साइंटिफिक एंड टेक्निकल टर्मिनोलॉजी SST ने 10 सितंबर को एक अनूठी वेबसाइट शुरू की। इस वेबसाइट पर 12 आधिकारिक भारतीय भाषाओं में टेक्निकल शब्द हैं जो प्रोवाइड किए जाएंगे। तो ये क्वेश्चन भी साथियों काफी इंपॉर्टेंट है रहेगा कि हाल ही के अंदर भारत सरकार के द्वारा कितनी भाषाओं में टेक्निकल शब्दों वाली वेबसाइट है जो लॉन्च की गई है, तो आपका आंसर हो जाएगा साथियों 22 भाषाओं के अंदर। तो साथियों केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के तत्वाधान में कमीशन फॉर साइंटिफिक एंड टेक्निकल टर्मिनोलॉजी ने है जो साथियों इस वेबसाइट को शुरू किया है। तो ये क्वेश्चन भी साथियों आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है रहने वाला है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में आइसलैंड में नया है जो राजदूत है किसे नियुक्त किया गया है, तो आंसर हो जाएगा साथियों आर रविंद्र को। विदेश मंत्रालय ने 10 सितंबर को आर रविंद्र को आइसलैंड में देश का अगला राजदूत नियुक्त किया है। फिलहाल रविंद्र न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र में भारत के उप स्थायी प्रतिनिधि के रूप में कार्यरत हैं। तो इम्पोर्टेंट क्या रहेगा कि हाल ही के अंदर आइसलैंड में जो नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया है भारत की ओर से, तो विदेश मंत्रालय ने साथियों इसकी घोषणा की है, और आर रविंद्र को आइसलैंड में देश का अगला राजदूत नियुक्त किया है। फिलहाल रविंद्र न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र में भारत के उप स्थायी प्रतिनिधि के रूप में है जो कार्यरत हैं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रहेगा इस प्रकार का क्वेश्चन साथियों जो पूछा जाता है, जो नए राजदूत नियुक्त किए जाते हैं वहां से पूछा जाता है, और वहां से साथियों अगर अपना क्वेश्चन सही होता है तो अपने कितने हजारों छात्रों से साथियों आगे हो जाते हैं उस कंपटीशन में। तो इंपॉर्टेंट रहेगा कि आइसलैंड में नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया, तो आंसर है आर रविंदर को। अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे साथियों। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि किस राज्य में 5 नए पॉक्सो फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित किए जाएंगे, तो आंसर हो जाएगा साथियों पश्चिमी बंगाल के अंदर। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है रहेगा। आपसे पूछा है कि हाल ही में किस राज्य के अंदर 5 नए पॉक्सो फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित किए जाएंगे, तो पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल सरकार ने पश्चिम बंगाल में 5 नए पॉक्सो फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय स्थापित करने का है जो निर्णय लिया है। राज्य में 6 ई-पॉक्सो न्यायालयों के अलावा पहले से ही 62 पॉक्सो न्यायालय हैं। राज्य मंत्री चंद्रिवा भट्टाचार्य ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस निर्णय की है जो घोषणा की है। तो इस प्रकार का जो क्वेश्चन होता है साथियों वो इम्पोर्टेंट होता है कि हाल ही के अंदर किस राज्य सरकार के द्वारा 5 नए पॉक्सो फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने की घोषणा है जो की गई, तो आपका आंसर हो जाएगा वही पश्चिमी बंगाल के द्वारा है जो साथियों इसकी घोषणा की गई है। अगला क्वेश्चन साथियों आपसे पूछा गया है कि 2024 के सर्वश्रेष्ठ देशों की रैंकिंग में शीर्ष स्थान किसे मिला, तो आंसर हो जाएगा साथियों स्विट्जरलैंड को। किसको मिला है? स्विट्जरलैंड को साथियों 2024 के सर्वश्रेष्ठ देशों की रैंकिंग के अंदर
शीर्ष स्थान मिला है। यूएस न्यूज एंड वर्ल्ड रिपोर्ट ने अपनी वार्षिक सर्वश्रेष्ठ देशों की रैंकिंग है जो जारी की, किसके द्वारा जारी की गई ये इंपॉर्टेंट रहेगा, तो आपका आंसर होगा यूएस न्यूज एंड वर्ल्ड रिपोर्ट के द्वारा साथियों वार्षिक सर्वश्रेष्ठ देशों की है जो रैंकिंग जारी की गई है, उसके अंदर स्विट्जरलैंड को शीर्ष स्थान दिया गया। और यह लगातार साथियों तीसरा वर्ष है जब इस यूरोपीय देश को प्रथम स्थान मिला है, जो एक उल्लेखनीय लेकिन आश्चर्यजनक उपलब्धि है जो नहीं है। तो इंपॉर्टेंट रहेगा कि यूएस न्यूज एंड वर्ल्ड रिपोर्ट के द्वारा हाल ही के अंदर जारी देशों सर्वश्रेष्ठ देशों की रैंकिंग के अंदर है जो शीर्ष स्थान किसे मिला, स्विट्जरलैंड को है जो साथियों इसके अंदर शीर्ष स्थान मिला, और भारत इसके अंदर 33वें स्थान पर है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है रहेगा और आपसे सीधा का सीधा पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि कार्बन अकाउंटिंग फाइनेंशियल भागीदारी में हस्ताक्षर करने वाला पहला भारतीय बैंक कौन सा बना है? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया बना है, इंपोर्टेंट मान के चलिएगा। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया PCAF पर हस्ताक्षर करने वाला पहला प्रमुख भारतीय बैंक बन गया। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने कार्बन अकाउंटिंग फाइनेंशियल के लिए साझेदारी में हस्ताक्षरकर्ता के रूप में शामिल होने के अपने निर्णय की जो घोषणा की है। क्या है इसका उत्तर? उद्देश्य है कार्बन जो उत्सर्जन है साथियों उसको कम करना है, और इसके लिए साथियों भारत का जो पहला बैंक बना है जिसने इस उद्देश्य के अंदर ये शामिल होने जा रहा है वो है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जो भी चीजें प्रथम होती है साथियों वो अपने आप में इम्पोर्टेंट होती है, और वहां से सीधे के सीधे क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो इम्पोर्टेंट है कि कार्बन अकाउंटिंग फाइनेंशियल भागीदारी में हस्ताक्षर करने वाला पहला भारतीय बैंक कौन सा बना? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है जो बना है, इसकी घोषणा है जो साथियों कर दी गई है, तो अपने लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है और सीधा का सीधा आपसे साथियों ये पूछा जा सकता है। आगे बात करेंगे साथियों अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में नौसैनिक अभ्यास ओशन 2024 से किस देश के द्वारा प्रारंभ किया गया है? ये क्वेश्चन भी साथियों आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है रहेगा कि हाल ही में नौसैनिक अभ्यास ओशन 2024 से किसके द्वारा है जो साथियों प्रारंभ किया गया। तो आंसर आपका क्या होगा साथियों? आंसर आपका हो जाएगा भाई रूस के द्वारा है जो इसको प्रारंभ किया गया है। किसके द्वारा साथियों? रूस के द्वारा है जो साथियों इसको प्रारंभ किया गया है। रूसी नौसेना बलों ने प्रशांत, अंटार्कटिक महासागर, भूमध्य सागर, कैस्पियन और बाल्टिक सागरों में नियोजित सामरिक अभ्यास ओशन 2024 है जो आरंभ किया है, इंपॉर्टेंट रहेगा साथियों। कहाँ कहाँ पर? प्रशांत और आर्कटिक महासागर, भूमध्य सागर, कैस्पियन और बाल्टिक सागरों में है जो साथियों नियोजित सामरिक अभ्यास ओशन 2024 से आरंभ किया है, तो इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में चंद्रमा पर 250 से अधिक भूकंप के कंपन का डेटा संग्रह किसके द्वारा किया गया? तो आंसर आपका क्या हो जाएगा साथियों? किसके द्वारा किया गया? तो आंसर हो जाएगा भी चंद्रयान 3 के द्वारा है जो साथियों किया गया है, इंपोर्टेंट मान के चलिएगा। सीधा का सीधा आपसे साथियों ये पूछा जाने वाला है, किसके द्वारा किया गया साथियों? तो आंसर हो जाएगा चंद्रयान 3। चंद्रयान 3 के लैंडर विक्रम के साथ भेजे गए 5 वैज्ञानिक उपकरणों में से एक इंस्ट्रूमेंट फॉर लूनर सिस्मिक इक्विटी इलासा ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुवीय प्रदेश में से 250 से अधिक चंद्र भूकंपीय झटके दर्ज किए हैं, तो इम्पोर्टेंट रहेगा कि चंद्रमा पर 250 से अधिक भूकंप के कंपनों का डेटा संग्रह किसके द्वारा किया गया है? तो हाल ही के अंदर चंद्रयान 3 के द्वारा किया गया है। हाल ही में भारत की पहली सिलिकॉन कार्बाइड विनिर्माण सुविधा की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो आंसर है ओडिशा के अंदर। भारत की पहली सिलिकॉन कार्बाइड विनिर्माण सुविधा ओडिशा में स्थापित की जाएगी। इस परियोजना का विकास भारत की सेमी कंडक्टर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स प्रौद्योगिक में अग्रणी कंपनी IR पावर इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड द्वारा EMC पार्क इन्फो वैली भुवनेश्वर में किया जाएगा। सारी जानकारी मैंने इसके अंदर आपके साथ इस क्वेश्चन की शेयर कर दी। कहाँ पर है आपसे पूछे तो सीधा ओडिशा और भुवनेश्वर के अंदर अगर प्रॉपर आपसे पूछे वो भी आपको है जो बता दिया गया। और किसके द्वारा साथियों? अग्रणी कंपनी कौन सी है? RIR पावर इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के द्वारा EMC पार्क इन्फो वैली भुवनेश्वर में है जो साथियों इसकी स्थापना है जो की जाएगी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि काउंटर पॉइंट रिसर्च के अनुसार दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा 5G स्मार्ट बाजार है जो किस देश का है? तो
आंसर हो जाएगा भारत का। भारत ने 2024 की पहली 6 मई में 5G स्मार्टफोन बाजार में अमेरिका को साथियों पीछे छोड़ दिया है। काउंटर पॉइंट रिसर्च की रिपोर्ट के अनुसार शाओमी, वीवो, सैमसंग जैसे ब्रांडों के सस्ते फोन की वजह से भारत चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा 5G स्मार्टफोन मार्केट है बन गया है। यानी पहले स्थान पर कौन है साथियों, तो पहले स्थान पर है जो चीन है, ये आपको यादें रखना है। पहले स्थान पर कौन है साथियों, तो पहले स्थान पर चीन है, ये आपको यादें रखना है। अगले क्वेश्चन पर बात करें साथियों, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में समन्वय प्लेटफॉर्म और CFMC का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? गृह मंत्रालय। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र के वार्षिक स्थापना दिवस कार्यक्रम के दौरान रजिस्ट्री का उद्घाटन किया। उन्होंने साइबर अपराधों से निपटने के लिए साइबर कमांडों के निर्माण और समन्वय मंच जैसी अन्य पहलों की शुरुआत की। गृह मंत्री ने साइबर धोखाधड़ी समन केंद्र को है जो राष्ट्र को समर्पित है जो किया है। तो ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट साथियों आपके लिए रहने वाला है, सीधा का सीधा आपसे पूछा जा सकता है, इंपोर्टेंट साथियों ये क्वेश्चन है रहेगा। इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं वो सीधे के सीधे हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं, इंपोर्टेंट मान के चलिएगा, सीधा का सीधा ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा साथियों। आज के सेशन के अंदर साथियों जितने ही महत्वपूर्ण पर्सन बन रहे थे इंडिया करंट अफेयर्स के वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं। साथ ही उन प्रश्नों से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य आपसे पूछे जा सकते थे साथियों, उस पर भी जानकारी साझा कर दी है। सेशन आपको पसंद आया है तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। कम समय में क्वालिटी कंटेंट के लिए साथियों जुड़े रहिए इन्फ्यूजन नोट से। मिलेंगे साथियों नेक्स्ट सेशन के लिए, तब तक धन्यवाद।